एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ ममता बेरवा और मैं फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैंने कितनी कंपनियां सर्च की, तो मुझे काम की नीड बहुत थी। मेरे फैमिली प्रॉब्लम कुछ बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से मैंने ऑनलाइन वर्क सर्च करना स्टार्ट किया। घर में रह के मैं कुछ कर सकूँ पार्ट टाइम में, तो मैंने बहुत सारी कंपनियां सर्च की, अलग अलग प्लेटफॉर्म सर्च किए। कहीं पर पैम्पलेट चिपक रहा है तो वहाँ से मैंने नंबर निकाल के कॉल किया, तो वहाँ भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ। और जैसे कि मैंने विवेक बिंद्रा, जो कि बड़ा बिजनेस के फाउंडर हैं, उनका बिजनेस भी मैंने ट्राई करने की कोशिश की। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है, तो आप भी उस सिचुएशन से निकल के अच्छे प्लेटफॉर्म को कैसे चूज़ कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपके साथ आपके लिए सब कुछ सारे लिंक प्रोवाइड है, जाके आप अगर हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं तो एक फ्री मास्टर क्लास है, पहला लिंक है उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी क्लियरिटी मिलेगी। और कहीं पे आपके साथ जैसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है वैसा आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपसे लेती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आप कमेंट भी कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए कि आपको क्या ये सब जो हम बता रहे हैं वो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ममता जी, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो और अभी आप क्या करते हो। जी, मैं अभी राजस्थान से हूँ, गांव एरिया से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ होकर ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ। तो ममता जी, आप थोड़ा सा शेयर कीजिए कि आप कौन सा ऑनलाइन बिजनेस अभी करती हैं। जी मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ फॉरएवर में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम है और TLF टीम के साथ वर्क करती हूँ। तो ममता जी, अभी आप जैसा कि फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पहले की जर्नी जानना चाहूंगी। आपने मुझे एक बार शेयर किया था कि आपने कहीं पर जो विवेक बिंद्रा सर है तो उनका जो कोर्स वगैरह है बड़ा बिजनेस, तो उससे रिलेटेड भी आपने कुछ चीजें एक्सप्लोर की थी, तो उसकी थोड़ी सी आप स्टोरी बताइए कि क्या स्टोरी है उसकी। जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं कुछ अपने लिए वर्क ढूंढ रही थी, क्योंकि हम गांव एरिया में रहते हैं, नौकरी या कुछ काम ऐसा नहीं मिलता है। इसी वजह से मैं, मोबाइल तो था ऐसे मेरे पास, तो मैं बैठे बैठे दिमाग लगाती थी कि क्या करें ऐसा जिससे आप कुछ पैसा कमाया जाए। तो मैं जैसे ऐसे ही सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कि घर में रह के ऐसा क्या वर्क किया जाए, तो मुझे उसी अकॉर्डिंग सर्च में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो है बड़ा बिजनेस .com से, उनका वीडियो मेरे सामने आया। फिर मैंने उनको वीडियोस देखना स्टार्ट किया। अप्रोक्स 1 मंथ तक मैंने उनका वीडियोस सर्च किए, सारे देखे, नंबर निकाले और अलग अलग पर्सन, जैसे विवेक बिंद्रा सर के टीम में अलग अलग पर्सन है, उनको 2-3 जगह मैंने कॉल किया। कॉल करने पे मुझे रिप्लाई आया, तो मैंने उनसे बात की। तो मेरी उनसे बात हुई कि आप क्या बड़ा बिजनेस .com में काम करना चाहते हो। मैंने कहा मैम सर, जो भी उनसे मेरी बात हुई थी जिनसे, तो उन्होंने कहा था कि ये बिजनेस है, आपको इसमें सीखना होगा, हमारे विवेक बिंद्रा सर ये सिखाते हैं, जो भी उनमें वर्क प्रोसेस है वो। तो मैंने उनको फिर धीरे 2-4 दिन मेरी बात हुई, समझा मैंने और वीडियोज देखे, बट फिर मुझे लास्ट में अप्रोक्स 8 दिन हो गए थे, उस 8 दिन के अप्रोक्स बीच में फिर उन्होंने बोला कि आप अगर इसमें ज्वाइन करते हो तो आपको अप्रोक्स 59,000 का अमाउंट पे करना, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो फिर उस अकॉर्डिंग मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा मैम मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैंने बहुत सोचा, पैसों के लिए आइडियाज भी लगाए। फिर उन्होंने मुझे, मैंने उनसे फिर बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जैसे अभी पूरा अमाउंट नहीं है तो आप किस्तों में पे कर सकते हो। बट उस टाइम को क्या था ना कि मेरे पास ऐसे ही दिसंबर या नवंबर का मंथ था, तो उस टाइम को क्या गाँव में ज़्यादा काम नहीं होता है, तो गाँव के लोगों के पास पैसे भी नहीं होते। तो मैंने कहा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मैं पैसे होंगे तब मैं आपको कॉल करूँगा। तो उस अकॉर्डिंग फिर मैंने धीरे धीरे पैसे भी अरेंज करना स्टार्ट किया, बट फिर भी 29,000 मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने वहाँ पे उसको वहीं छोड़ दिया, मैंने नहीं फिर स्टार्ट किया। तो जैसा अभी आपने बताया ना कि हाउसवाइफ आप घर में बैठे थे तो दिमाग लगाते रहते थे, तो बहुत सारी हाउसवाइफ है दिमाग लगाते रहती है, जैसे कि आपने एक बार मुझे बताया भी था कि आप सिलाई का काम भी करते हो, तो बहुत सारी हाउस वाइफ है जो घर रह करके सिलाई का काम भी करती हैं। तो जैसा कि आप यूट्यूब पे सर्च वगैरह कर रहे थे और मतलब आपके माइंड में थी कि हाँ मुझे कुछ करना है,
कुछ मतलब कुछ भी ऑनलाइन वर्क हो, कोई बिजनेस अगर करने का मौका मिले तो वो भी करने के लिए आप रेडी थे, तो उस तरीके से मतलब आपके सामने ये बड़ा बिजनेस आया था, बट उस वक्त आपके पास अमाउंट नहीं था तो इस वजह से आपने उस वक्त ज्वाइन नहीं किया। तो फिर उसके आगे की जर्नी क्या रही? वो 1 साल पहले की बात थी। फिर मैं वहाँ पे देखती रही मैं उनके विवेक बिंद्रा जी सर के वीडियोस, बट उस टाइम पे इतना अमाउंट नहीं हो पाया था। तो फिर मैं फिर भी देखती रही क्योंकि मुझे कुछ करना था, जैसे कि मुझे के उसमें भी फिर मैंने जैसे आते रहे ना यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ आता रहता है। तो मेरे को फिर कोई अलग ही बिजनेस था, वो सामान पैकिंग करने का। बट मुझे वहाँ भी मैंने वहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड सब डॉक्यूमेंट दिए, बट वहाँ भी मुझे समझ नहीं आया। तो फिर भी मैं सर्च करती रही। सर्च करने के बाद मुझे एक दिन मेरे पास एक पर्सन आया, लड़का। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिलाई करती हूँ, तो उस टाइम पर मेरे पास अप्रोक्स जून अप्रैल मई में वो लड़का आया था। तो उसने कहा कि दीदी आप एक बिजनेस करना चाहते हो। मैं कहा बताओ कौन सा है कि ये बिजनेस है, बट मुझे उसमें थोड़ा डाउट लगा। तो मैंने उसको अप्रोक्स 2 महीने तक घुमाया, मैंने नहीं किया। फिर मैंने सारी उसकी जानकारी निकाली यूट्यूब पे, देखते देखते पूरा उसका प्रोसेस निकाला। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर उसने मुझे लिंक से एक वीडियो दी कि दीदी आप इस वीडियो को देखो और समझ में आए तो आगे के वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर मैं उसने मुझे 2-3 दिन मैंने वीडियोज देखे। फिर उसने फर्स्ट डे की मास्टर क्लास ज्वाइन करवाई। तो उसमें अब मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहती, बट उसमें मैंने उन देखा कि गाड़ी दिखा रहे हैं, बंगला दिखा रहे हैं, यहाँ घूमना है, ऐसा सब कुछ, यानी कि मोटिवेशन था भरा भरा पूरा। तो मैंने वो देखा, फर्स्ट डे देखा, सेकंड डे देखा, थर्ड डे भी देखा, क्योंकि मुझे काम करना था, मुझे घर में रह के काम करना था, तो इसलिए मैंने सब कुछ देखा। फिर उसने थर्ड डे के प्रोसेस के बाद उसने मुझसे 200 रुपीज़ मांगे। तो मैंने कहा 200 रुपीज़ इसलिए मांग कि है ना ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसके लिए मांग रहे हैं, मास्टर क्लास के लिए, क्योंकि मुझे करना था। तो मैंने उनको 200 रुपीज़ पे कर दिए। 200 रुपीज़ पे करने के बाद उसने फिर मुझे कुछ और क्लासेस देना चालू किया। सुबह 12 बजे, 4 बजे, 9 बजे, यानी कि दिन भर उसी में लगी रहती थी। सिलाई का काम तो छोड़ दिया मैंने, गर्मी का सीजन था मेरा, बट वो मैंने छोड़ दिया। मुझे मुझे लगा इसमें अच्छी इनकम हो रही है, इन लोगों को हो रही है तो मुझे भी होगी। मुझे क्या पता था कि बाद में ये सब निकलेगा। तो फिर मैंने सिलाई का काम तो छोड़ दिया और मैं इसमें लगी रही दिन भर लिखना। एक को कॉपी इतनी मोटी थी, मेरी कॉपी भर के इतना लिखवाया उन्होंने 5 दिन के अंदर। इतना माइंड वही, बस कुछ नहीं, दिन भर थोड़ा काम करो फिर उसमें लग जाओ। फिर मैं वो लड़के का फोन आ जाए, वो बोले दीदी ये लिखो ये लिखो, दिन भर परेशान। तो फिर मैंने उसको जैसे उसने 5 दिन की मास्टर क्लास फिर दी मुझे। तक मैं ऑडियंस को क्लियर करना चाहूंगी कि अभी यहाँ तक आपने मतलब 3 चीजें ट्राई करी थी। सबसे पहला आपने वो बड़ा बिजनेस वाली चीजें एक्सप्लोर की कि उसमें क्या है, उसके बाद आपने कोई दूसरा ऑनलाइन बिजनेस भी एक्सप्लोर किया था, उसके बाद तीसरा आपके पास फॉरएवर आपके सामने आया, बट एक गलत तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट हो रहा था कि मोटिवेशन और चेक्स वगैरह, तो वहां पे भी आपका ट्रस्ट नहीं बना। तो यहाँ तक यही चीज आप बोल रहे हो ना? वहाँ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं बना, बट फिर भी मुझे करना था। तो मैंने फिर उस लड़के ने मुझे बोला कि दीदी आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। मैंने उससे कहा किस बात के 1500 रुपये, कि नहीं आप अभी पे कर दो, फिर आप जब आगे का प्रोसेस होगा तो उसमें यानी कि उसमें ऐड हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता था ये अपने जेब में रख रहे हैं। फिर मुझे डाउट्स पूरे होने लग गए। तो मैंने फिर से यूट्यूब सर्च करना स्टार्ट किया। अब यूट्यूब सर्च किया तो सब लगभग 8 दिन तक मैंने यूट्यूब देखा, तब जाके मुझे आपका नंबर मिला। फिर मैंने आपको कॉल किया। फिर मैंने वहाँ से उस लड़के को वहीं छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहाँ उसमें फ्रॉड लगा था। और फिर उस बीच में उस लड़के ने मुझे एक लड़की को, और जो यूपी से थी, नाम तो मुझे पता नहीं है उसका, बट उससे बात करवाए, उससे भी बेचारे से 1500 रुपये लिए। तो वो मेरे माइंड में वो घर कर गया कि ऐसे बिना कारण 1500 1500 रुपये लेंगे। तो मुझे ये सब नहीं करना था क्योंकि मुझे ना ही तो झूठ बोलना था, ना ही किसी से पैसे लेने थे। तो क्योंकि मुझे पता है कि 1500 रुपये एक आम के हाउस वाइफ के लिए या कोई लड़की है कुछ भी हो, 1500 रुपये बहुत मायने रखता है अगर किसी के पास इनकम सोर्स नहीं है। फिर मैंने वो उसको वहीं छोड़ना सही समझा क्योंकि मेरा माइंड उस टाइम को मेरे अंदर एक गिल्टी फील हुई कि उस लड़की से बेचारी से 1500 रुपये मेरी वजह से उसके पैसे चले गए। तो मैंने उसको कहा कि मैं ना ये नहीं करने वाली, अगर जब तुम लोगों को अगर काम करवाना है मेरे साथ, मेरे को ज्वाइन करवाना है, तो मैं उस किसी भी पर्सन को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो मैं उनसे पैसे नहीं लूंगी। बट उसने कहा कि नहीं दीदी आप वो तो ये
ये करना ही पड़ेगा कि आप 1500 रुपये, तो ये तो क्या है, टीम का प्रोसेस है, वो तो आपको टीम के साथ चलना पड़ेगा। तो इसी कारण से मैंने उस टीम को छोड़ा और मैं आज आपके साथ वर्क कर रही हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं TLF टीम का पार्ट हूँ। जैसे कि रात की मीटिंग में हुआ, मुझे इतना गर्व हुआ कि जो मैं इतने दिनों से सर्च कर रही थी, कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, वो हुआ है मेरे साथ। तो मैंने इतना सारा 3 साल 2 साल से सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, फाइनली मुझे फॉर एवर मिला और फॉर एवर में भी TLF टीम मिली। तो ये मेरे लिए भगवान का तोहफा है कि आपके लाइफ अब सेटल हो जाएगी। तो यहाँ तक मेरा ये जर्नी रही। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। और मतलब अभी आपने जो वर्ड्स बोले ना कि अगर हम ढूंढे तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो बिल्कुल बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ मतलब हम जो ढूंढ रहे थे हमें वो मिल गया यहाँ TLF टीम में, यहाँ फॉरएवर में आके। तो फॉरएवर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जैसा कि आपने इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर की, मतलब इसी तरह हम किसी भी फील्ड में एंटर नहीं कर सकते, हमें पहले चीजें देखनी पड़ती है क्योंकि हम वहाँ पैसे लगा रहे हैं। और मुझे पता है कि आपका जो उस दिन कॉल आया था, बस रैंडम आपने कॉल किया था, कोई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया था। मैंने सोचा कि पता नहीं किसका कॉल है, और आपकी वॉइस से मुझे लग रही थी कि आप मतलब कोई मेल मेरे से बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे बाद में पता चला, जब हमने वीडियो कॉल पे बात की, तो मुझे पता चला कि अच्छा आप फीमेल हो। तो मतलब ऐसा मुझे लग रहा था। तो मतलब वो अभी भी मुझे याद है कि हाँ हमारी बात हुई थी। फिर आपने फॉरएवर बिजनेस में, मतलब देखिए हाउसवाइफ भी है, तो आप थोड़ा सा ये शेयर कीजिए कि मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद आपको यहाँ पर कैसे ट्रस्ट हुआ, क्योंकि आपने जो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया वो डायरेक्ट 2 CC से स्टार्ट किया यहाँ पर, जो कि 30,000 का था उस वक्त। तो आपको ट्रस्ट कैसे हुआ कि हाँ मुझे यहाँ 30,000 लगाने चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। देखो मैम, ट्रस्ट की तो बात यह थी ना कि मुझे वहाँ पे समझ आ गया था कि फॉरएवर एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और फॉरएवर में ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, बट जो फॉरएवर का प्रोसेस है, वर्क प्रोसेस है, उसमें मार्केटिंग प्लान है, उसमें जो काम, वो बहुत अच्छा है। और मुझे नीड थी काम की, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया था, बस ज्वाइन करना था सही सही तरीके से, सही टीम के साथ। तो मैंने, और फिर मेरे पास देखो पैसों का इशू रहता है, तो उस टाइम को क्या हुआ, जिस टाइम मैंने कॉल किया उस टाइम को मेरे पास पैसे भी थे, तो उस वजह से फिर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने अभी 2 CC से ज्वाइन नहीं किया तो आगे मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने उस टाइम, क्योंकि मेरा उस टाइम सिलाई का सीजन था, तो मैंने अप्रोक्स 25,000 तो मेरा सिलाई का मैंने इकट्ठे कर रखे थे, और थोड़े बहुत हस्बैंड से लेके मैंने फिर 2 CC डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर नहीं करती तो आज मुझे प्रॉब्लम आती, मेरा 2 CC नहीं हो पाता। इसी वजह से मैंने माइंड में मेरा ये था कि मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो सिर्फ सीखने पे फोकस करूंगी, पैसों की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी ना, तो बाद में पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अभी जैसे मैंने जब 2 CC कर लिया, तो अभी मैं बिल्कुल सीखने पे फोकस कर रही हूँ। कोई भी मीटिंग हुई मैं बिल्कुल माइंड अप नहीं करती, मैं बिल्कुल पूरा मीटिंग देखती हूँ, जो लिखना होता है पूरा लिखती हूँ, समझती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ, सर जो भी अपने टीम मेंबर है उनसे पूछती हूँ। तो मुझे इस टीम में आके इतना अच्छा लगता है, और इसी वजह से मेरे को समझ आ गया था कि फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, तो डायरेक्ट हम 2 CC से ही करना चाहिए मुझे, इसलिए मैंने 2 CC से ज्वाइन किया था फॉरएवर। और मैंने बिल्कुल वो डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था कि मैंने 2 CC से किया, तो उसका मेरा प्रेस मेरे माइंड पे प्रेशर नहीं है अभी बिल्कुल। बिल्कुल तो जो भी करना चाहते हैं, वैसे जो भी 2 CC अगर फॉरएवर करना चाहते हैं कोई भी पर्सन हो, तो डायरेक्ट 2 CC से कीजिए, क्योंकि 2 CC से करने पर अपने जो वो यानी कि पैसे लगाए कहाँ से लाए, अगर नहीं है तो वो प्रेशर रहता है, फिर सीखने पे प्रेशर, तो उसी वजह से अगर नहीं है तो कहीं से अरेंज करके 2 CC से कीजिए। अगर 2 CC से नहीं करेंगे कोई भी, तो दो जगह से जुड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरा तो माइंड फ्रेश एकदम हो गया था कि मुझे 2 CC से करना है, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ मतलब जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैंने आपको सारा सिस्टम भी प्रॉपर बता दिया था कि हम इस तरीके से वर्क करते हैं, इस तरीके से आपको करना होगा। तो वहां से भी आपका पूरा क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं बचे आपके। तो आपने डायरेक्ट 2 CC से स्टार्ट किया। तो थैंक यू सो मच ममता जी, आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस, जो आपकी जर्नी रही अभी तक की, तो आपने पूरा हमारे साथ शेयर किया, हमारी ऑडियंस के साथ। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है, या चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे स्टूडेंट है, कोई भी है, तो उनको बहुत ज्यादा आइडिया लगा होगा कि कैसे ममता जी ने अपनी जर्नी, इनकी
जर्नी क्या रही, इन्होंने फॉरएवर कैसे स्टार्ट किया। तो अगर कोई भी पर्सन ममता जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप में से कोई भी अगर ममता जी से बात करना चाहते हैं, तो ममता जी का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इनके साथ हम आगे और भी वीडियोज बनाने वाले हैं, तो उन वीडियोज को भी जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम और भी हाउसवाइफ्स के लिए लाने वाले हैं इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप इस टाइप की और वीडियोस चाहते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।